नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आगे का एजेंडा हम आपको दिखाएं, उससे पहले अब आपको कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। मनु भाकर जब दिल्ली पहुंची हैं तो उस दौरान किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीरें उसकी वानगी हैं। ओलंपिक पदक विजेता है मनु भाकर, और जब अपने देश लौटी हैं, स्वदेश में जब उनका आगमन हुआ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जो इतिहास रच दिया, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका ये भव्य स्वागत किया गया है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की ये तस्वीर आपके सामने है। आप देख रहे हैं एक फूलों की बड़ी सी माला जिसके साथ उनका वहां पर स्वागत किया गया जब वतन वापसी उनकी हुई है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। पेरिस ओलंपिक में मनु ने जिस तरीके से दो मेडल जीते, भारत का डंका बजाया उन्होंने वहां पर, और आप देख सकते हैं अब कैसे इस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पहले से वहां पर लोग मौजूद थे। तो शूटर बिटिया का स्वागत किस अंदाज में हुआ है, आपके सामने वो तस्वीर। तो पेरिस ओलंपिक में मनु ने दो मेडल जीते हैं और इस तरीके से उन्होंने इतिहास रच दिया, भारत का नाम रोशन किया, और ऐसे में जब उनकी वतन वापसी हुई है, स्वदेश लौटी हैं, आप देख सकते हैं कैसे फूलों की माला से उन्हें लाद दिया गया, कंधे पर बिठाकर बिल्कुल इस अंदाज में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। तो इन तस्वीरों में आप मनु भाकर को देख पा रहे हैं। दो मेडल उन्होंने पेरिस ओलंपिक में हासिल किया। ये शूटर बिटिया है जिसने पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया। और बस किस तरीके की गहमा गहमी नजर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि वहां पर तमाम जो मीडियाकर्मी मौजूद हैं, मनु भाकर से बात करने की कोशिश की जा रही है। ओलंपिक में दो मेडल जीतकर धमाल मचा दिया मनु भाकर ने, और कुछ देर पहले देश लौटी हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस अंदाज में उनका स्वागत किया गया, फूलों की माला के साथ, गुलदस्ते के साथ। तो देश लौटने पर कुछ इस अंदाज में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर का स्वागत किया गया है। एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है मनु भाकर, और ऐसे में आप उन देख पा रहे हैं किस तरीके का उत्साह, उमंग वहां मौजूद लोगों में। गुलाब की पंखुड़ियां भी उन पर बरसाई गईं और फूलों की माला से उन्हें लाद दिया गया। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी। मेरी सहयोगी मेघा भी वहीं पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मेघा, अखिलेश, मनु भाकर के स्वागत के लिए जो है, जी जी मेघा बोलिए, अपनी बात रखिए। जी आप देख सकते हैं अखिलेश, यहाँ पर मनु भाकर पहुंच चुकी हैं और उनके स्वागत के लिए फैंस जो है यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए मनु भाकर अभी गाड़ी में पहुंची, उनके साथ उनके परिवार, उनकी माता, उनके पिता भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और मनु भाकर के एक इंतजार में कई घंटों से यहाँ पर फैंस थे, और ऐसे में उनका यहाँ पर पहुंचना, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो उमड़ पड़े, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि तो बहुत जबरदस्त गहमा गहमी है वहां पर। और इस वजह से आप देख रहे हैं कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। मेरी सहयोगी है, अपनी बात आप तक पहुंचा रही थी लेकिन अचानक से उनसे संपर्क टूट गया है। मनु भाकर जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची हैं उस दौरान की तस्वीर आपके सामने, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, फूलों की बारिश उन पर की गई। आप देख पा रहे हैं कैसे उनका भव्य स्वागत किया गया है। ओलंपिक पदक विजेता मनु जब वतन वापस लौटी हैं तो लोगों का उत्साह, उमंग देखते बन रहा है। तो चैंपियन बिटिया का स्वागत किस अंदाज में हुआ, जरा देखिए आप। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए, दो दिन गुजर गए, आज तीसरा दिन है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद छोड़कर देश छोड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में बगावत की आग थम नहीं रही। अभी भी कई शहर सुलग रहे हैं, कट्टरपंथी बेहिसाब कहर बरपा रहे हैं। बांग्लादेश से लगातार छटछोड़ने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, रूह कपा देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश से अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिंदुओं पर वहां हमले नहीं रुक रहे हैं, लगातार अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। अभी चटगांव से खबर यह है कि हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है, रावजान इलाका जहां पर हिंदुओं के घर जला दिए गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से अराजकता की इंतहा यहां पर नजर आ रही है।
चुन चुन कर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की जो जमात है, बिल्कुल वहां पर तालिबानी कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तो तख्ता पलट के बाद से ही आप देख रहे हैं बांग्लादेश बिल्कुल जलता हुआ। हर तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चिंता वाली बात, एक आम शहरी का वहां पर जीना मुहाल हो चुका है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रावजान इलाका है जहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, चटगांव में। ये पूरा इलाका, ये पूरी बस्ती जो हिंदुओं की बस्ती बताई जाती है, जिसमें आग लगा दी गई, कई हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, मंदिरों पर हमला हुआ, दुकानों में आग लगा दी गई। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वहां पर लॉलेसनेस की जो स्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? और अगर सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है मुल्क को, तो फिर सेना के लोग इन लोगों के जान की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को, आप सोच रहे हैं, हैवानियत की इंतहा हो चुकी है। कुछ मंदिरों पर भी हमले की सूचना मिल रही है। ये जो दो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, एक मंदिर परिसर में कैसे आग की लपटें उठ रही हैं, वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, बाजार में भी आग लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये कि वहां पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। कईयों के घरों में आग लगा दी गई है और सेना वहां की बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस सरेंडर कर चुकी है। आपको पता है, कल ही यह खबर आई थी कि पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग अब वहां कहां जाएं जान बचाने के लिए, किससे गुहार करें। ढाका में बांग्लादेश के मशहूर गायक और संगीतकार राहुल आनंद का घर भी उपद्रवियों ने जला दिया। सोमवार को गायक के घर पर भीड़ ने हमला किया। हमले में उनका परिवार तो बच गया, लेकिन संगीत का पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया। तो हिंदू गायक हैं जिनका घर जला दिया गया है, मशहूर गायक संगीतकार राहुल आनंद, उनके घर को भी फूंक दिया गया। हालांकि परिवार के सदस्यों की जान किसी तरीके से बच गई, लेकिन घर में कुछ भी सामान बचा नहीं। साजो सामान, संगीत का सामान, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो संगीतकार और दूसरी तस्वीर उनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील। तो जहां कहीं कभी सुरलहरियां गूंजती थीं, वहां पर आप देख रहे हैं आज सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ गम का माहौल, मातम का माहौल। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, हिंदू गायक हैं राहुल आनंद, उनका घर फूंक दिया गया, जला दिया गया। तो पूरा इलाका अब वीराना हो चुका है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदुओं पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, उसे रोक पाने में वहां की सेना पूरी तरीके से नाकाम है। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस वाले खुद अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। कल उन्होंने बाकायदा हड़ताल भी किया था पुलिस वालों ने, कि हमारी जान ही खतरे में है तो हम दूसरों की जान क्या बचाएं। इस अब बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को मार डाला, पीट पीट कर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। तो हैवानियत की इंतहा जरा देखिए। आपको बता दें कि शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या कर दी गई है। हिंसक प्रदर्शन के बीच फंस गए थे ये। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शांतो ने दरअसल मुजीबुर रहमान का रोल किया था, जिन्हें बंग बंधु कहा गया। हालांकि उनकी भी मूर्तियां खंडित कर दी गई, तोड़ दी गई, वो तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। अब उनका जो किरदार लोग निभा रहे थे, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। पिता सलीम ने मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी और आप देखिए कैसे पिता पुत्र के साथ यहां पर भीड़ की हैवानियत सामने आई है। पीट पीट कर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या कर दी गई। शांतो ने दरअसल मुजीबुर रहमान का रोल किया था, उनका किरदार निभाया था पर्दे पर। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं, मेरे साथ मेरे कई सहयोगी अभी मौजूद हैं। मनोज्ञा लोयवाल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, निधिश्री के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, बांग्लादेश उच्चायोग से हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण जैन हमारे साथ हिंडन एयरबेस से मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन मनोज्ञा, पहले आप बताइए कि और क्या अपडेट, कुछ और अहम जानकारी बांग्लादेश से मिल पा रही है? और खास तौर पर सवाल मेरा ये, जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या भारत सरकार भी कोई कदम उठा सकती है, कोई बातचीत की जा सकती है?
देखिए भारत सरकार लगातार इस समय बातचीत का दौर सेना के साथ कायम रखे हुए हैं, लेकिन सेना की विफलता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब अगर हिंदुओं को ही लगातार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी में हैं। आपको अगर मैं आंकड़े ही बता दूं तो 1971 में करीब 23% हिंदू करते थे बांग्लादेश में, लेकिन अभी 8% से भी कम हो गए हैं और ये संख्या और ज्यादा घटती नजर आ रही है। ये आंकड़ा जो मैं आपको दे रही हूँ ये भी 2021-22 का आंकड़ा है। तो अब अगर आप 8% की बात करें करीब 18 करोड़ की जनता में, तो वो किस तरह से घटता नजर आ रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुओं की सुरक्षा, वहां पर माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए भारत सरकार जितना चिंतित है उतने ही कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज भी खबरें आ रही हैं कि लगातार हिंदू जो कई इलाके में रह रहे हैं उनकी जो संख्या है वो बॉर्डर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो भारत में वापस आ सकें। हालांकि भारत सरकार इस पर क्या अपना रुख रखती है, उनका क्या अगला कदम होगा, इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, बीते 24 घंटे में शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। आवामी लीग से जुड़े लोगों के परिवार वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, सभी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बताया ये जा रहा है कि 9 शव ऐसे हैं जो आवामी लीग के नेताओं के परिवार वालों के हैं। तो किस तरीके की दरिंदगी वहां पर लोगों के साथ हो रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से लगातार हिंसा की खबरें हम तक आ रही हैं, सभी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। अब जैसे जैसे वहां पर तलाश की जा रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है, तो पता चल रहा है कईयों को मार दिया गया। और खासतौर पर आवामी लीग के जो नेता हैं उनके परिवार के लोग हैं वो वहां पर कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। मेरे साथ निधि भी लगातार जुड़ी हुई है। निधि, बांग्लादेश से अभी और क्या सूचना आपको मिल पा रही है, कुछ और जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या हालात हैं? देखिए बर्बरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है बांग्लादेश से, लेकिन इस वक्त मैं बांग्लादेश हाई कमीशन पर हूँ अखिलेश, और कल से आज तक में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई तस्वीर अगर कहा जाए बदलाव की तो वो नहीं देखी गई है। हालांकि बैरिकेड्स जो है वो कल से ही देखा जा रहा है और पुलिस की सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं जिनको वीज़ा से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, उनकी भीड़ यहाँ देखी गई है, विशेष तौर पर जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे देश में रहते हैं उन लोगों को। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो कवर करने जाना चाहते हैं बांग्लादेश, वो कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर आए थे। ये आपको सामने काउंटर दिख रहा होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन सबके ले लिए गए, लेकिन अभी भी हामी नहीं दी गई है कि उनको वीज़ा इशू किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, उथल पुथल है, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी सबसे पहले बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंच रहे हैं जानकारी के लिए, और इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, बैरिकेड्स है, सुरक्षा है। जब तक वहाँ पर सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर भी हाई कमीशन पर भी इसी तरीके से बैरिकेड्स रहेगा, और इसके अलावा BSF के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। अखिलेश बिल्कुल, तो सुरक्षा और ज़्यादा चाक चौबंद भी की जा रही है। कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप उन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे कि अभी बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियों की खबर आ रही थी आप देख सकते हैं, वो तस्वीर भी सामने आ गई है। आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं आपको, पेरिस से आज ढाका लौटने की बात है, वहाँ पर कुछ नेता भी लौटेंगे। बांग्लादेशी आर्मी में बड़े फेरबदल की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तख्ता पलट से जलाया बांग्लादेश, यानी कि जलता बांग्लादेश, यानी वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं वो आप देख रहे हैं। वहाँ पर आगजनी और लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है और भारत के संदर्भ में जो खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ पर जो धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक पूरा कस्बा जो है हिंदुओं का उसे आग के हवाले कर दिया गया, और सूत्रों के हवाले से अभी एक बड़ी खबर आ रही है, यूरोप जा सकती हैं शेख हसीना, 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ देंगी। अमेरिका ने हसीना का वीजा रद्द कर दिया था कल, और यूरोप वो जा सकती हैं। अभी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पहले उनके लंदन जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे लेकिन वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, और इन सब के बीच अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया था। अब ये अपडेट है कि यूरोप जा सकती हैं, 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ देंगी। हमारे साथ सिवात साहब भी मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपके पास सर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले वरुण आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगा, चूंकि आप वहां पर हिंडन एयरबेस के पास मौजूद हैं जहां पर अंदर अभी भी शेख हसीना है। जो खबर मिल रही है कि वो जा सकती हैं यूरोप, अगले 48 घंटे में भारत छोड़ देंगी, वहां से कुछ और आपके पास अपडेट अगर हो।
देखिए बिल्कुल हिंडन एयरबेस के बाहर ही मौजूद हूँ और पिछले 48 घंटे से कुछ इसी तरीके से अटकलें चल रही है। कभी लंदन, कभी फिनलैंड जाने की बात सामने आई, तो अब पता चला है कि जो यूरोप है वो वहाँ जा सकती है क्योंकि अमेरिका ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है। लेकिन फिलहाल अगर आपको हिंडन एयरबेस के बाहर का नज़ारा दिखा दूँ तो बेहद टाइट सिक्योरिटी जैसे यहाँ पर होती है एज़ यूजुअल है। शेख हसीना पिछली दो रातें यहाँ पर बिता चुकी है हाई सिक्योरिटी के बीच, वो फिलहाल यहीं पर मौजूद है और अगर वो 48 घंटे में यहाँ से जाती है तो जो 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 संभावनाएं, जो अटकलें लग रही हैं उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन ये अटकलों का जो दौर है 48 घंटे से चल रहा है। हालांकि जो जो हम विदेश मंत्री हैं वो ये बात कह चुके हैं कि शेख हसीना जब तक चाहे यहाँ पर रुकना चाहे रुक सकती है, तो अब देखना यही होगा कि आगे किस तरीके की डेवलपमेंट होती है। लेकिन फिलहाल कल यहाँ पर दो मर्सिडीज गाड़ी आई थी जिन पे अशोक चिन्ह लगा था, यानी भारत सरकार से कुछ लोग यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल अगर आज का अपडेट कहूँ तो अभी तक सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई अधिकारी या फिर किसी तरह की कोई गाड़ी या हलचल नहीं देखी गई है। चलिए ठीक है, जैसे ही कोई मूवमेंट हो आप इशारा करिएगा, वरुण हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन सिवाज साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे पहलू में अगर हम देखें, कहीं भी कोई युद्ध हो जाए, हिंसा की घटनाएं हो जाए, तख्ता पलट हो, विद्रोह हो, तो उसका एक बड़ा पहलू होता है आर्थिक पहलू भी। भारत के लिहाज से आपको क्या नजर आ रहा है, वहां पर कितना बड़ा नुकसान हमें होता हुआ दिख रहा है अगर स्थितियां जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हुई, और खास तौर पर जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे भी बहुत बड़ी चिंता है हमारी। और बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल ठीक बोला, चार पॉइंट है। देखो, एक तो सच्चाई है कि जो हिंदूज है वहां पर वो एक टारगेटेड हो सकते हैं, ये एक बड़ा दुख की और घबराहट की बात है। दूसरा कि जो 10 से 12 हजार हमारे स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं उनका भी हमें एक प्रकार ध्यान रखना है। जो थर्ड पॉइंट है वो है इल्लीगल माइग्रेशन, वो एक बहुत बड़ी चिंता है। जिस प्रकार से कुछ एक जेल जो हैं उसमें से रेडिकलाइज यूथ भी भाग गए हैं, उसके बाद क्रिमिनल भी भाग गए हैं, बॉर्डर थोड़ा सा पोरस है, ये भी डर है कहीं कोई ये इल्लीगल माइग्रेंट भारत की तरफ ना आ जाए, इंक्लूडिंग रोहिंग्या। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लग रही है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है उसके साथ हमने अपने रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन शेख हसीना के साथ तो बहुत अच्छे थे, अब शेख हसीना इज अ हिस्ट्री, अभी हमने आगे रिलेशन रखने। हमारे 72 प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं बांग्लादेश में, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको साथ चलना है, उनको अभी भी चलते रहना है। हमने इंटरिम गवर्नमेंट से वर्केबल रिलेशनशिप रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा जो मेन मुद्दा है जो कनेक्टिविटी, जो ये कनेक्टिविटी शेख हसीना के टाइम में 15 साल में हुई है, रेल और रोड कनेक्टिविटी, जो बांग्लादेश के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने चिटागोंग पोर्ट जो था वो भी और मोल्दो पोर्ट खोद दिया था, वो पोर्ट खुले रहेंगे नहीं वो भी एक चिंता का विषय है। तो ओवरऑल भारत इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देख रहा है कि किसी तरीके से जल्दी जो बांग्लादेश में नॉर्मलसी आए, इंटरिम गवर्नमेंट आए और हम अच्छे रिलेशन उससे मेंटेन करने की कोशिश करें, मगर ये जो चिंता का विषय इल्लीगल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अखिलेश, भारत नहीं चाहेगा कि शेख हसीना ज्यादा देर भारत में रहे। हमें पता है प्रॉब्लम आ रही है, वो यूरोप जाने वाली हैं अभी, क्योंकि इंग्लैंड और यूएस में उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि जो एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट है हम नहीं चाहते वो कन्वर्ट हो एंटी इंडिया, क्योंकि कुछ एक दस्ता है जमाते इस्लामी और आईएसआई ने मिलकर ये सारी गेम रची है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो इन्वॉल्व थी, चीन ने बहुत फंड दिए, कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ लगता है, तो ओवरऑल हमें ये देखना है हमारे इंटरेस्ट में क्या है। हमारे इंटरेस्ट में यही है कि वहां जल्दी से जल्दी शांति आए, हमारे जो भी हिंदूज हैं टेम्पल या हिंदू जो पॉपुलेशन है करीब करीब 7% वो टारगेट ना की जाए, इल्लीगल माइग्रेंट्स भारत की तरफ ना आए, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती रहे। बिल्कुल, सर सबसे बड़ी बात ये है कि मित्र देश हमारा रहा है बांग्लादेश, लेकिन जिस तरीके से वहां पर साजिशें रची गई और भारत के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का, उसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इस साजिश पर भी जल्द से जल्द लगाम लगे, बहुत ये जरूरी है। बांग्लादेश तख्ता पलट पर अभी की बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, जमाते इस्लामी ने अपना बंद पड़ा दफ्तर खोला है, 13 सालों के बाद जमाते इस्लामी का दफ्तर वहां पर खुल गया है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी है जमाते इस्लामी, 13 सालों से उनका दफ्तर जो बंद पड़ा था अब खुल चुका है। तो बांग्लादेश से अभी की बड़ी खबर, जिस तरीके से वहां से हिंसा की खबरें आ रही है,
आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इन सब के बीच ये बहुत चिंता वाली बात, जमाते इस्लामी ने 13 सालों के बाद अपना बंद पड़ा दफ्तर भी खोल लिया है। तो विपक्ष की पार्टियां किस तरीके से वहां से अचानक सुर्खियों में आ गई हैं, और जमाते इस्लामी जैसे जो वहां पर जमात हैं, आप देखिए किस तरीके से इन कट्टरपंथी पार्टियों की बात की जाए तो अब वो सक्रिय हो चुके हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और बाकायदा जो दफ्तर उनका बंद करवा दिया गया था उसे भी अब खोला जा रहा है। बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी पार्टी है, जाहिर तौर पर यह जो पूरा घटनाक्रम है, हालिया घटनाक्रम, ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए चिंता की बात है। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। और बांग्लादेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश भेजने की मांग, बांग्लादेश एससी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की मांग थी, शेख हसीना को गिरफ्तार कर ढाका भेजे। हसीना की बहन शेख रेहाना को भी ढाका भेजे भारत, यह मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, ताजा जानकारी बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश भेजा जाए, यह मांग की जा रही है। एससी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बाकायदा इसकी मांग की है कि शेख हसीना को गिरफ्तार कर ढाका भेजे भारत। हसीना की बहन शेख रेहाना को लेकर भी यह बात कही गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोयवाल, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, देखिए अखिलेश, आपको बता दें कि इस समय क्योंकि पुलिस वाले हड़ताल पर हैं बांग्लादेश में, और पूरी अव्यवस्था की स्थिति है, और लगातार जिस तरह की स्थितियां आ रही हैं, अब मांग की जा रही है कि शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को, ये छात्र संगठन वहां पर जो छात्र शिविर के लोग हैं वो अपने लिखित डॉक्यूमेंट में मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए जिससे उनके ऊपर लीगल और कानूनी मामले चलाए जा सकें। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि शेख हसीना का अगला कदम जो भी होगा वो पूरी तरह से उन पर निर्भर होगा, पर सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे में संभवतः वो भारत छोड़कर चली जाएंगी। भारत छोड़कर कहां जाएंगी, यूरोप जाएंगी या किसी और देश जाएंगी, क्योंकि यूएस ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन सा देश है जो उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण इस समय ये आ जाती है कि बांग्लादेश की स्थितियां खुद इतनी खराब हो रखी हैं कि आने वाले कुछ घंटों में अगर सरकार बन भी जाती है तो भी अव्यवस्था की ये तस्वीरें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, जिसमें एक ओर लगातार हिंदुओं पर वार हो रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं, तो करीब 25 से ज्यादा आवामी लीग के कार्यकर्ता, नेता, मंत्रियों को मारा जा चुका है, और ये सरकारी आंकड़े अभी कम आ रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि कल रात से ही मीडिया को दोबारा काम करने की सुविधाएं प्राप्त हो पाई हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में लगातार मीडिया हाउसेस को तोड़ा गया है, वहां पर काम करने वाले पत्रकारों को मारा गया है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सुविधा है, और कई लोगों के शव तक गिरे हुए हैं जो उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है बांग्लादेश में। बिल्कुल ऐसे में देखिए अश्विनी सिवाल साहब, जो बात थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे, जिस बात का डर है कि अगर ज्यादा वक्त तक यहां पर शेख हसीना रहती हैं भारत में तो इस तरह की चीजें फिर शुरू होंगी। अब देखिए उस तरह की जो मांग होने लग गई कि आप उन्हें गिरफ्तार करके हमारे पास भेजिए, उन्हें बांग्लादेश में खलनायक की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे में अगर वो भारत में लंबे वक्त तक रुकेंगी तो भारत बांग्लादेश के संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है क्या? आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो एंटी शेख हसीना सेंटिमेंट इतने ज्यादा हैं, एक बहुत ज्यादा आक्रोश है, एक तो स्टूडेंट पे, और जहां सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन ने ये एक प्रकार से वर्डिक्ट पास किया है, ये एक चिंता का विषय है। ये तो सच्चाई है कि भारत कभी नहीं भेजेगा शेख हसीना को वापस बांग्लादेश, इसमें तो कोई चांस नहीं, मगर अगर वो ज्यादा देर भारत में रहती हैं तो भारत के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे ना हो, क्योंकि देखो जमाते इस्लामी जहां अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की, वो भी एंटी इंडिया है, और ये जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 के अंदर, 10 लाख से ज्यादा औरतों का रेप हुआ, 1 करोड़ के करीब लोगों को मारा गया, आज वही पार्टी वहां पर एक प्रकार सक्रिय होती जा रही है। तो ऐसे में भारत एक चाहेगा कि शेख हसीना को जल्दी से जल्दी कोई पॉलिटिकल असाइलम यूरोप में मिले और वो यहां से जाएं, क्योंकि भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, ना शेख हसीना के लिए अच्छा है। दूसरी बात, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व है
बांग्लादेश के साथ, तो भारत को बहुत फूक फूक के चलना है। भारत के जो लोग 7% से ज्यादा हिंदू हैं उनके टेंपल्स को बर्बाद किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको मारा जाता है। मीडिया बता नहीं रहा है क्योंकि वहां मीडिया ब्लैकआउट हो रखा था, मीडिया काम नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है जो अवामी लीग थी वो उसके सारे के सारे वर्करों को ये एक प्रकार से मार भी रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी जला रहे हैं। इल्लीगल माइग्रेशन इसलिए ज्यादा होने के चांसेस हैं, कहते हैं 20 से ज्यादा जेल ऐसी हैं जहां से जो कैदी हैं वो भाग गए हैं और वो रेडिकलाइज थे, वो साधारण कैदी नहीं है सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कई कुख्यात आतंकवादी हैं उसमें जो कि वहां से फरार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात, बिल्कुल अराजकता का माहौल है बांग्लादेश में। शुक्रिया सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अभी की एक और बड़ी खबर, एबीपी न्यूज से बोले शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद, उन्होंने कहा हिंसा के पीछे आईएसआई की साजिश है, विद्रोह में विदेशी ताकतों का हाथ है, कुछ देश बांग्लादेश को कमजोर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां पर कमजोर सरकार रहे। शेख हसीना के बेटे ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। जी ऐसा कहा था है, क्यों इधर जब ये मूवमेंट चल रहा है इनके पीछे पुलिस के ऊपर हमला कराते विद बंदूक नहीं, अब स्टूडेंट्स के पास तो बंदूक नहीं है, बंदूक है आपके जमाते इस्लाम शिविर के पास, सो उनको तो बंदूक कोई ना कोई दिया, ये शोर ऐसा दिया। कुछ देश है हमारे इलाका में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं चाहती है, चाहते हैं जो एक वीक गवर्नमेंट सो दे कैन कंट्रोल, यही है। सजीव वाजिद जो आज जिन्हें आप सुन रहे थे शेख हसीना के बेटे हैं, एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की थी और उसमें इस बात का उन्होंने खुलासा किया कि यह सब कुछ जो हुआ है इसके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ। बांग्लादेश तख्ता पलट से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बांग्लादेश लौट रहे हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा के बेटे हैं तारिक, आज लंदन से बांग्लादेश वो लौट रहे हैं। दरअसल तारिक पिछले कई सालों से लंदन में थे, अब खबर यह है कि ढाका में एक रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। रिहाई के बाद खालिदा जिया की तस्वीर भी सामने आई है जो इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, मोहम्मद यूनुस ने जब उनसे मुलाकात की उस दौरान की तस्वीर, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई के बाद की पहली तस्वीर जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। खालिदा जिया किसी अस्पताल में बैठी हुई नजर आ रही है और उनके बेटे भी अब लंदन से वापस लौट रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अब इनकी सक्रियता खालिदा जिया की बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनसे जुड़े लोगों की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है और कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो सिर उठाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है बांग्लादेश में। एक और अहम खबर आपको बता दें, तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा के बेटे हैं, वो लंदन से बांग्लादेश लौट रहे हैं, कई सालों से लंदन में रह रहे थे तारिक और अभी की जो सूचना मिल रही है हमें ताजा जानकारी उसके मुताबिक ढाका में दरअसल एक रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तारिक रहमान भी शामिल होंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। पिछले काफी सालों से वो मुल्क से बाहर थे, बांग्लादेश से बाहर थे, लंदन में थे और अब उनकी वापसी हो रही है तारिक रहमान की, ढाका में एक रैली को वो संबोधित कर सकते हैं, उसमें शामिल होंगे, इस तरह की सूचना मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खालिदा जिया की तस्वीर भी दिखाई थी, उनकी रिहाई हो गई है, एक अस्पताल में थी, उनके बेटे भी वापस लौटने वाले हैं, तो बांग्लादेश के हालात सभी के लिए चिंता की बात और बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे हमारा देश भी चिंतित है, क्योंकि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले वहां पर बढ़ रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेता अजय आलोक ने मांग की है इस बीच कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बसाने की तैयारी करनी होगी, जितने हिंदू बचकर आए उन्हें बसाना होगा, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या को वापस भेजना होगा, ये बातें अजय आलोक की तरफ से लिखी गई हैं। हमें तैयारी करनी होगी भारत में कि
जितने हिंदू बांग्लादेश से बच कर आना चाह रहे हैं उन्हें वापस यहाँ बुलाया जाए।